ओके सो वेलकम टू अ डे इन द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्लैश अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर। सो सिंस कुछ ऐसे है कि अभी टाइम हो रहा है 9:58 और मेरा ऑफिस है 10:30 बजे और मुझे यहाँ से वहाँ जाने में मिनिमम टाइम लगता है 55 मिनट्स अगर मुझे ट्रैफिक ना मिले। सो नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम एंड मुझ में ब्लॉग बनाने की चुल ऐसे टाइम में आती है। सो नाउ वेलकम टू अ डे इन द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्लैश अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर। सो नाउ लेट्स सी कि आज का मेरा दिन कैसे जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट, कॉफ़ी के बिना तो भाई हम कहीं नहीं जाने वाले। सो फर्स्ट कॉफ़ी बनाएंगे, कॉफ़ी पीकर जाएंगे। कॉफ़ी इज लाइफ, मतलब कॉफ़ी के बिना ज़िंदगी में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अभी इसे ख़त्म करते हैं और फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है भाई। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू नीड टू स्मेल गुड, सो सम डिओड्रेंट, सॉरी परफ्यूम डिओड्रेंट, दैट इज दैट। सो नाउ लेट्स गो, काफ़ी देर हो चुकी है। ओके सो वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग, और आई थिंक ये मैंने सुबह से 3 बार कहा है, लेकिन फिर भी अभी हम हमारा काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आई थिंक एक चीज़ इस ब्लॉग में अब तक मिसिंग है जो कि आपने ज़रूर नोटिस की होगी, एंड दैट इज़ वर्कआउट का है भाई। वी आर अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, सो आपको तो पता ही है कि मेरा दिन ऐसे स्टार्ट नहीं होता है, मेरा दिन स्टार्ट होता है सुबह 5 बजे। सो फॉर वर्कआउट लेट्स डू सम टाइम ट्रैवल और चलते हैं वक्त में थोड़ा सा। ओके सो नाउ इट्स 6 AM और अभी तक जिम नहीं खुला है। व्हाट इज दिस, एक तो पहले से हमारे पास टाइम नहीं है। ओके सो फाइनली हम आ चुके हैं। सो नाउ आज है हमारा लेग्स डे, और लेग्स डे मतलब मेंटल टॉर्चर, क्योंकि इट्स ऑल इन योर माइंड। सो आज हम हमारी लिमिट्स जो है उसे पूरी तरीके से पुश करने वाले हैं। सो अभी फटाफट से रेडी होते हैं और लगाते हैं एक किलर लेग्स वर्कआउट। लेट्स डू दिस बेबी। ओके सो नाउ वी आर डन विद आवर वार्म अप, तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा वर्किंग सेट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट स्क्वाट के साथ, उसके बाद लेग प्रेस, देन लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन, एंड देन एक एक्सरसाइज करेंगे हम काफ्स के लिए, और आफ्टर दैट वी आर डन विद आवर वर्कआउट। सो वाई आर वी वेस्टिंग आर टाइम, हमारे पास भाई टाइम की बहुत कमी है। सो नाउ लेट्स डू दिस। ओके सो नाउ वी आर डन विद आवर फर्स्ट सेट, और ऐसे कुछ फोकस से टूट गए भाई ये, वो तो मेरे साथ होते रहता है, मुझे आदत हो चुकी है। एंड द रीज़न आई जस्ट लव ट्रेनिंग इन द मॉर्निंग इज बिकॉज भाई कोई भी नहीं है, हार्डली एक दो लोग हैं। This is what called a peace, and I just love this. Crazy how I see you so clear. Crazy how I see you so clear. And how you made me smile. And how you made me smile. Oh yeah. And how you made me smile. Oh baby, how you made me smile. Smile more when I see you. Smile less when I miss you. No, I don't wanna be left alone. सो ये है एक बेनिफिट ऑफ बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि जब आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की मतलब एक आदत ही हो जाती है। तो मैंने अभी क्या एक जुगाड़ किया है कि ये जो है ये इसके ऊपर था राइट, और यहाँ पर, और ये जो है वो यहाँ पर लगता है। सो मैंने डायरेक्टली इसे ही निकाल दिया जो कि रोटेट होता था, और अब डायरेक्टली ये यहाँ पर लगेगा। यस We are a problem solver.
सो नाउ वी आर डन विद टास्क नंबर वन और अब बारी है हमारे टास्क नंबर टू की। तो हमारा टास्क नंबर टू होने वाला है पढ़ाई। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करूँगा, आपके लिए मैं टिफिन बनाऊँगा एंड फिर हम निकलेंगे ऑफिस के लिए। सो नाउ लेट्स डू द फर्स्ट डीप वर्क सेशन ऑफ द डे। सो फाइनली अब हम हमारा काम स्टार्ट करते हैं। डन फॉर द डे। अभी जाते हैं घर, घर जाकर जाएंगे रेंट के लिए, उसके बाद वापस आकर हम बनाएंगे डिनर।